Dear student, today uh, myself sashikant Burma, presently working in Mechanical Engineering Department, Institute of Engineering and Technology, Bundelkhand University, Jhansi. Today I am uh, delivering lecture on Theory of Machines topic, Cam and follower. Now let's uh, be gone on the screen, okay. Cam and follower. Now, we know the cam is a rotating part in the machine element and follower is follow the path of cam. Uh, know that uh, uh, cam and follower are device which uh, use for rotatory converting the rotatory motion into reciprocating motion or oscillating motion in which uh, cam is a rotating device and follower follow the path of cam. अ कैम इज रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच कैन बी ऑक्सी रेसिपोकेटिंग और ऑक्सीटिंग टाइप वैसा हम जानते हैं ये रेसीपोकेटिंग uh, इंजन में जब हम देखते हैं कि कैम uh, जो इनलेट और आउटलेट बल्ब होता है वो ओपन और क्लोज होता है विच इज फॉलो द पाथ ऑफ कैम साफ्ट ठीक है नाउ द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कैम एंड फॉलोवर क्लासीफिकेशन ऑफ फॉलोर फॉलोअर कितने टाइप के होते हैं एंड कैम कितने टाइप के होते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेसन कितने टाइप का होता है वी गो फॉर इट द कैम फर्स्ट इज़ कैम फॉलोअर इज नाइफ़ इज फॉलोवर इन विच फॉलोअर जो फॉलो पाथ कर पाथ फॉलो करता है वो नाइफ़ इज़ के टाइप का होता है सेकेंड इज़ रोलर फॉलोवर इसमें जो फॉलोवर होगा वो रोलर टाइप का होगा एंड थर्ड इज़ फॉलोवर इज फ्लैटेड तो यहाँ पे देखेंगे ये जो फॉलोवर uh, है वो फ्लैट टाइप का फॉलोवर होगा नेक्स्ट इज स्पेरिकल इस्पेरिकल जो फॉलोवर होगा वो स्पेरिकल शेप में होगा नेक्स्ट इज स्पेरिकल विथ फ्लैटेड फॉलोवर इसमें जो फॉलोवर होगा वो फ्लै एसपेरिकल होगा लेकिन आ, उसके साथ में एक फ्लैट अटैच्ड होगा और जो फॉलोवर होगा वो ऑक्सीटिंग मोशन करेगा नेक्स्ट इज ऑफ सेट फॉलोवर ऑफ सेट फॉलोवर इन मिच हम देखते हैं कि कैम जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन एक तरह का होता है वो जो अगर कॉन्साइड करता है फॉलोवर के साथ में तो वो उसको हम बोलते हैं रेडियल फॉलोवर और अगर ये इनके बीच में थोड़ा सा भी डिस्टेंस होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑफसेट फॉलोवर तो अभी हम इसमें देखेंगे कि ये और आ, किस तरह से क्लासीफाई होता है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ फॉलोवर अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ़ फॉलोवर फॉलोवर रे रेसिपोकेटिंग मोशन भी कर सकता है ऑक्सीटिंग मोशन भी कर सकता है ठीक है तो जैसा हमने पहले आ, आ, स्लाइड में देखा है कि अगर फॉलोवर कैम रोटेट करेगा तो फॉलोवर फॉलो follow, मोशन फॉलो करेगा और ये रेसिपोकेटिंग मोशन करेगा ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा इसमें भी अगर रोलर आ, है तो रोलर किस आ, का जो पाथ है वो रोलर भी फॉलो करेगा और फॉलोअर किसका मोशन वो करेगा ये रेडियल मोशन रेसिपोकेटिंग मोशन करेगा इसमें भी रेडियो रेसिपोकेटिंग मोशन करेगा इसमें देखेंगे अगर हम स्फेरिकल वाले में तो यहाँ पे कैम का जो सेंटर वो ये है और फॉलोवर का जो सेंटर है वो उससे कुछ डिस्टेंस पर है तो ये ऑक्सीटिंग मोशन करेगा इसमें भी क्या है कि जो फॉलोवर है वो ला, उसका लाइन ऑफ एक्शन अप एंड डाउन जो है वो कैम के जो सेंटर है उससे कॉन्साइड नहीं करेगा तो ये कुछ डिस्टेंस पर होगा तो इस जो ये डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ऑफसेट डिस्टेंस और इस तरह के फॉलोवर्स को हम ऑफसेट फॉलोवर बोलते हैं नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन रेडियल और ऑपसेट जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है नेक्स्ट है? है जो फॉलो कैम और फॉलोवर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम किस तरह से देखते हैं किस तरह से उसमें क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम टर्मोलोलॉजी यूज इन कैम एंड फॉलोवर तो ये यहाँ पे देख रहे हैं ये जो डार्क ब्लैक लाइन है ब्लैक कलर का है ये अगर एक से सै, एक सेप में देखेंगे तो ये है कैम ठीक है और इसको का इसके रोटेशन के कारण जो फॉलोवर मोशन करेगा उसको हम बोलते हैं फॉलोवर और यहाँ पे देख रहे हैं ये फॉलोवर है ठीक है तो कैम का एक बेस सर्किल होगा जिसको हम बोलते हैं बेस सर्किल ठीक है और यहाँ पे देख रहे हैं फॉलोवर तो फॉलोवर किस तरह का है रोलर फॉलोवर है तो रोलर के जो सेंटर होता है उसको हम ट्रेस पॉइंट बोलते हैं अगर नाइफ एज है तो उसका जो एज होगा वो नाइफ का जो एज होगा उसको हम ट्रेस पॉइंट बोलेंगे तो यहाँ पे नाइफ एज नहीं है रोलर है तो रोलर का जो सेंटर होगा वो ट्रेस पॉइंट होगा तो इस ट्रेस पॉइंट को एक कैम की थ्री डिग्री रोटेशन से अगर हम पाथ को फॉलो करेंगे तो उसको जो आ, पाथ ट्रेवल करने पे ड्रॉ होगा उसको हम बोलेंगे पिच कर्व उसको हम बोलेंगे पिच कर्व या पिच सर्किल जो बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पे नेक्स्ट है आ, जैसे ही कैम रोटेट करता हुआ जाएगा और एक एंगल मिलेगा हमको प्रेशर एंगल वो कैसा होगा कि अगर हम आ, कैम के जो कैम का जो प्रोफाइल है ट्रेस पॉइंट को लेके हुए जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे हम टेंजेंट खींचेंगे कैम प्रोफाइल पे, और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल टू द पिच कर्व तो जो कर्व है उसके नॉर्मल एक हम खींचेंगे और लाइन ऑफ एक्शन है जो फॉलोवर का ये फॉलोवर का लाइन ऑफ एक्शन है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक एंगल मिलेगा हमको ठीक है जो कि मैक्सिमम होगा जिसको हम बोलेंगे प्रेशर एंगल एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे हम ये फाई की वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलेगी तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रेशर एंगल ठीक है ये देख रहे हैं आप जब हम फॉलोवर कैम की जो प्रोफाइल ड्रा हो रही है कैम की प्रोफाइल पे अगर कैम के नोज़ पर फॉलोवर है कैम के रोटेशन से फॉलोवर नोज पर है तो ये डिस्टेंस जितनी भी ट्रेवल करेगी उसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ द फॉलोवर या मैक्सिमम हाइट ठीक है तो देट इज़ द टर्मोलॉजी यूज इन कैम प्रोफाइल क्या क्या है ट्रेस पॉइंट है प्राइम सर्किल है बेस सर्किल है ये कैम का सेंटर है प्रेशर एंगल है पिच कर्व है और मैक्सिमम हाइट ऑफ द फॉलोवर है ये जो है हमने अभी डिस्कस किया वही है बेस सर्किल क्या होता है प्रेशर एंगल क्या होता है पिच पॉइंट पिच कर प्राइम सर्किल और लिफ्ट एंड स्ट्रोक लिफ्ट एंड स्ट्रोक क्या है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोवर व्हेन द फॉलोवर एट अ नोज ऑफ़ द कैम नेक्स्ट है मोशन ऑफ द फॉलोवर मोशन फॉलोवर किसने टाइप से फॉलोवर मोशन करेगा ये डिपेंड करता है कैम के रोटेशन पे तो कैम किस तरह का रोटेशन करेगा कि फॉलोवर मोशन करेगा वो है फोर टाइप से यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर कैम का रोटेशन यूनिफॉर्म है तो फॉलोवर का मोशन कैसा होगा सिंपली सिंपली सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन और डीएक्लेशन साइक्लोइडल मोशन ये चार टाइप से फॉलोवर का मोशन हम ऑब्जर्व करेंगे व्हेन कैम रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म बेलोसिटी सिंपल हारमोनिक मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन एंड डीएक्सीेशन एंड साइक्लोइडल तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म बेलोसिटी क्या होती है जैसा कि हम जानते हैं यूनिफॉर्म बेलोसिटी कब मिलती है जब डिसप्लेसमेंट लीनियर हो तो यहाँ पर ये ग्राफ ये बता रहा है कि आ, हम आ, जो डिसप्लेसमेंट है फॉलोवर का वो लीनियर जब डिस्प्लेसमेंट फॉलोअर का लीनियर होगा तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी और एक्सेल एक्सेरेशन हमको जीरो मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे हम एक ग्राफ खींचेंगे जिस जो कि होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट किसका फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट एंड द वन रेवोल्यूशन ऑफ कैम कैम का एंगल कितना रेवोल्यूट करेगा कैम कितना एंगल रेवोल्यूट करेगा और उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा ये हमको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ठीक है इसमें क्या होगा कैम जब रोटेट करेगा और क्लॉक वाइज रोटेट करे या एंटी क्लाक वाइज रोटेट करे फॉलोवर का मोशन अपबर्ड या डाउनवर्ड होगा तो अगर अपबर्ड है तो हम उसको बोलते हैं राइज एंगल और अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो ना अपबर्ड हो ना डाउनवर्ड हो तो उसको ड्वेल पीरियड बोलते हैं और अगर रिटर्न आ रहा है फॉलोवर डाउनवर्ड आ रहा है तो उसको रिटर्न बोलेंगे तो अगर हमने ये लिया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर होगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी ठीक है लेकिन एक्चुअली में ये जो मिलेगा फिर अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन इन दिस तो स्टार्टिंग ऑफ द कैम्प कैम्प जैसे ही रोटेट करने जा रहा होगा वैसे ही हमको एक जर्क लगेगा एक्सेलेशन हमको इनफाइनाइट मिलेगा तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है तो इसको हमको प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाने के लिए हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा इसको मॉडिफाई करेंगे मॉडिफाई करने का मतलब है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेलोसिटी चेंज लाएंगे वेलोसिटी चेंज होगी या वेलोसिटी वेरी करेगी तो एक्सेलरेशन हमको कम मिलेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा तो हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में और जहाँ जहाँ पर एजेज मिल रहे थे हम वहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे तो यहाँ पे लीनियर हम थोड़ा सा डिस डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे इसमें तो वेलोसिटी हमको लीनियर वेलोसिटी मिलेगी तो एक्सेलरेशन थोड़ा सा चेंज होगा ठीक है दैट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेथड फॉर फाइंडिंग फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट वैन द कैम इज रोटेटिंग नेक्स्ट है सिंपल हारमोनिक मोशन कैम जब सिंपल हारमोनिक मोशन करेगा तो फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा ठीक है तो सिंपल हारमोनिक मोशन दैट मीन्स साइन ऑर्डर बेब बनेगी ठीक है ऊपर जाएगा नीचे आएगा ठीक है तो डेफिनेटली जब ये चेंज होगा ये लीनियर नहीं आएगा ये साइन साइन वेव में आएगा तो साइन वेव में अगर हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जब साइन वेव में होगा तो एक्सेलरेशन उसका कॉस् थीटा के टर्म में मिलेगा एंड अगेन साइन थीटा के टर्म में हमको एक्स वेलोसिटी हमको कॉस के टर्म में मिलेगी और एक्सेलरेशन साइन के टर्म में मिलेगा तो यहाँ पे अगर हम आ, ए, आ, ग्राफ में देखें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सिलेशन इन फिगर तो आ, जो थीटा नॉट थीटा नॉट जिसको हम बोलेंगे आउटवर्ड जब कैम आउटवर्ड जा रहा होगा तो उसके एंगल को हम डिवाइड कर लेंगे एट इक्वल पार्ट्स में और एक सेमी सर्किल बनाएंगे ये डिस्प्लेसमेंट है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हम एक सेमी, एक सेमी सेमी सर्किल बनाएंगे और उसको एट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जब हम एट इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे तो जो थीटा है उसको भी हमको एट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है थीके? जब हम देखेंगे तो वेलोसिटी हमको मैक्सिमम सेंटर में मिलेगी और मिनिमम हमको एंड पर मिलेगी तो मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम एंड पर मिलने का मतलब है एक्सेलरेशन वहाँ पर हमको मैक्सिमम मिलेगा और मिड में जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिसप्लेसमेंट uh, क्या होगा वेलोसिटी क्या होगी एक्सेलरेशन क्या होगा तो जैसा कि हम देख रहे हैं एस इज द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर थीटा नॉट और थीटा आर इज एंगल ऑफ द कैम टर्न फॉर आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैम इन रेडियन पर सेकेंड तो टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा अगर आउटवर्ड स्ट्रोक में आउटवर्ड जा रहा है कैम फॉलोवर तो टाइम क्या होगा थीटा नॉट थीटा नॉट इक्वल टू थी टी नॉट इक्वल टू थीटा नॉट अपॉन ओमेगा देन पेरीफेरियल बेलोसिटी अगर हम यहाँ पे देखें इस फिगर में मोशन ऑफ द पॉइंट पी पी पॉइंट किस तरह से मोशन कर रहा है सिंपल हारमोनिक मोशन है तो एस डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एस है और आउटवर्ड स्ट्रोक में कितना हो जाएगा आउटवर्ड स्ट्रोक में वो जो एस वाई टू तो पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी पी पॉइंट की वेलोसिटी होगी जैसा हम जानते हैं वी इक्वल टू आर ओमेगा से क्या होगी पाई एस वाई टू पाई एस वाई टू पाई एस वाई टू दैट मीन्स हाफ ऑफ द डिसप्लेसमेंट एंड वन अपॉन टी नॉट दैट इज़ टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड तो यहाँ पे टी नाट हम निकाल चुके हैं देखा है हमने कि थीटा नॉट अपॉन ओमेगा है तो पाई एस वाई टू थीटा ओमेगा अपॉन थीटा नॉट देन मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगी पेरिफेरल वेलोसिटी uh, या मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द आउटवर्ड स्ट्रोक एंड पेरीफेरल वेलोसिटी तो यहाँ पे क्या लिए? यही जो इस पॉइंट पर मिलेगी वही हमको मैक्सिमम वेलोसिटी टू आउटवर्ड स्ट्रोक मिल जाएगी दैट इज पाई ओमेगा एस वाई टू थीटा नॉट यहाँ पे ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी एस क्या है फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टू थीटा नॉट थीटा नॉट दैट मीन्स आउटवर्ड स्ट्रोक में जितना एंगल वो लग रहा है ठीक है देन सेंटिपिटल एक्सलेशन सेंटिपिटल एक्सीशन हम जानते हैं सेंटिपिटल एक्सलेशन होता है वी स्क्वायर वाई आर तो वी

नाउ मैक्सिमम एक्सेलरेशन वही जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसको हम क्या बोलेंगे पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस अपॉन टू थीटा थीटा आउटवर्ड जाने के लिए जो एंगल लग रहा है वो उसका स्क्वायर यही सेम रेडियल वेलोसिटी इन रिटर्न स्ट्रोक और एक्सेलरेशन इन रिटर्न स्ट्रोक सेम सेम एज इट इज़ मिलेगा अगर जो रिटर्निंग है फॉलोवर की वो भी यूनिफॉर्मली सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन तो जैसा कि हम जानते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी लीनियर होगी जैसा हमने पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देखा था कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट लीनियर होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी जैसे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हमको कांस्टेंट मिलेगा तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन डाइग्राम जैसा हम जानते हैं अब इसका अगर हम डेरिवेशन देखें तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर आउटवर्ड स्ट्रोक थीटा नॉट अपॉन आर और टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिटर्न स्ट्रोक थीटा आर अपॉन एस ओमेगा देन मीन वेलोसिटी जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका अपॉन टाइम एंड मीन वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर फॉलोवर रिटर्न स्ट्रोक दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी आर देन मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी टू एस टू एस क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू टू ओमेगा एस अपॉन थीटा नॉट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक इसमें एक्सेलरेशन मिलेगा नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म सॉरी देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो वी नॉट अपॉन टाइम फॉर आउट आउटबर्ड स्ट्रोक टू इंटू टू वेलोसिटी हमने देखा था यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिल रही थी टू ओमेगा एस अपॉन थीटा नॉट और ये था रिटर्न आउटवर्ड स्ट्रोक के लिए और ये रिटर्न स्ट्रोक के लिए अगर हम एक्सेलरेशन uh, देखेंगे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी हमको तो टू इंटू टू ओमेगा एस अपॉन टी टाइम रिक्वायर्ड फॉर आउटवर्ड स्टोक और थीटा एंगल फॉर आउटवर्ड स्ट्रोक तो डेट इज आउटवर्ड स्ट्रोक में यूज होने वाला एक्सेलरेशन है एंड रिटर्न स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक में यूज होने वाला एक्सेलरेशन uh, है ठीक है तो यहाँ से अगर हमको वैल्यू निकालनी पड़े एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एग्जांपल लें कि कैम फॉलोवर कैम प्रोफाइल ड्रॉ कैसे होती है तो जैसा कि क्वेश्चन है अ कैम इज़ डिज़ाइन फॉर द नाइफ फेज फॉलोवर यहाँ पे क्या है नाइफ फेज फॉलोवर है और ये सिंपल हारमोनिक मोशन कर रहा है जिसका आउटबर्ड स्ट्रोक का एंगल नाइन्टी डिग्री है ड्ल्व पीरियड है थर्टी डिग्री का सिक्सटी डिग्री का हमको रिटर्न स्ट्रोक मिल रहा है और रिमेनिंग जो है वो आउ ड पीरियड है तो क्या करेंगे हाइट ले लेंगे हाइट कितना गिविन है कैम uh, लिफ्ट है फोर्टी एम एम तो फोटी एम एम को हम हाइट uh, ले लेंगे विद्य एप्रोप्रिएट स्केल स्केल से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और एक जो भी हाइट लीजिए उस पर एक सेंटर लेके एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे और उसी आउटबुड जो स्ट्रो एंगल ले रहे हैं 90 डिग्री इसको भी हम सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और कैम जो हारमोनिक सर्किल जो ड्रॉ किया है सर्किल जो बनाया है सेमी सर्किल वो उसको भी हम सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे जैसे ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और जो एंगल है उसको भी सिक्स इक्वल पार्ट्स में जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो जैसे कैम <coughs> एंगल रोटेट करेगा जीरो से वन आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हाइट मिलेगा वन पे इतना हाइट मिल जाएगा कितना वन पे इतना हाँ लिफ्ट गया टू पे टू का मतलब है कि जब एंगल कैम एंगल रोटेट करेगा टू पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये हाइट बढ़ जाएगी थ्री पे ये डी पॉइंट पे पहुंच जाएगा फोर पे ये ई पॉइंट पे पहुंच जाएगा फाइव पे ये एफ पॉइंट पे पहुंच जाएगा और सिक्स पे ये जी पॉइंट पर पहुँच जाएगा तो यहाँ पे हम स्केल से मेजर कर लेंगे कि ओ से ए डैश जाने में कितना लिफ्ट हुआ फॉलोवर और ओ से बी डैश जाने में कितना लिफ्ट हुआ ठीक है तो इस तरह से हम लिफ्ट निकाल लेंगे ठीक है नेक्स्ट क्या है कैसे हम इसकी प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे अभी तो हमने लिया था कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है फॉलोवर में लेकिन ये आ, किस किस एंगल पे कितना लिफ्ट हो रहा है ये नाइफेज फॉलोवर में कैसे हम इसकी कैम की प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे ये आप पिंक कलर में देख रहे हैं ये कैम प्रोफाइल है तो एक बेस सर्किल बनाएंगे बेस सर्किल कौ, कौन सा जैसा आपको इसमें दिया होगा कि कैम का सर्किल uh, क्या होगा कैम सर्किल द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ ऑफसेट ये तो ऑफसेट की कंडीशन हो गई एंड द रेडियस ऑफ द बेस सर्किल ऑफ द कैम इज़ फोर्टी एम तो हम फोर्टी एम mm का एक सर्किल बना लेंगे और उसी रेडियल कैम है तो उसी की लाइन ऑफ एक्शन पे एक लाइन uh, ड्रॉ कर लेंगे सॉरी फोलोवर नाइफ इज फॉलोवर ड्रॉ कर लेंगे ठीक है और यहाँ से जब रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट जो आउटवर्ड स्ट्रोक है मतलब फॉलोवर जब अपवर्ड लिफ्ट करेगा तो कितना एंगल कर रहा है तो वो 90 डिग्री है तो उसको हमने वहाँ पे कितना सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था तो यहाँ पे भी सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे जीरो ये जीरो से वन टू थ्री फोर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे बेस सर्किल को और देखेंगे कि ए से बी जाने में ए से बी जाने में यहाँ पे ए से ए से बी जाने में ये बी पॉइंट पहुंचने में ए डैस ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया तो यहाँ से इस सर्किल को वे सर्किल को जो हमने डिवाइड किया था सिक्स इक्वल पार्ट्स में उसको कितना हाइट दे देंगे इतना हाइट हम पहुँचा देंगे दूसरे पॉइंट पे ये देखेंगे कि बी पॉइंट पर जाने में कितना पॉइंट सी पॉइंट जाने में कितना डिस्टेंस लिया ये देखेंगे डी पॉइंट जाने में कितना डिस्टेंस लिया ये मेजर करके हम लिखते चले जाएंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे कि ए से बी जाने में कितना लिफ्ट हुआ सी जाने में कितना लिफ्ट हुआ डी में ई e में एफ में एंड जी में देन हम यहाँ से ये 90 डिग्री जाने के बाद ये प्रोवाइड कराएंगे डोइल पीरियड ये डोइल पीरियड तो जी जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ से बेस जो मैक्सिमम हाइट मिलेगी वहाँ से एक सर्किल बना लेंगे हाफ जितना भी एंगल डोएल पीरियड में आ रहा है ठीक है देन हम रिटर्न स्ट्रोक में आएंगे तो रिटर्न स्ट्रोक में ये किस कितना कम हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे कि रिटर्न स्ट्रोक में 60 डिग्री पर है तो 60 डिग्री में एच जी से जी पॉइंट और एच पॉइंट पे जो फॉलोवर को हाइट है वो मैक्सिमम रहेगी और वो हाइट चेंज नहीं होगी और वही हाइट रहेगी कैम में तो एच अब यहाँ पे आएंगे एच पॉइंट पे तो यहाँ पे एच पॉइंट मिल गया और 60 डिग्री है कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया सिक्स इक्वल पार्ट्स में तो एक पोर्सन दस टेन टेन डिग्री का रहेगा और नीचे आते जाएंगे नीचे कैसे आएंगे कि एच से जे आया तो कितना हाइट कम हो गया के आया तो कितना हाइट कम हो गया एल आया तो कितना हाइट कम हो गया एम आया तो कितना हाइट कम हो गया ये हाइट कम होता होता पी पॉइंट पे आ जाएगा दैट मीन्स जहाँ से कैम रोटेट किया था बेस सर्किल पे वहीं पर ही ये सिक्स पॉइंट पर आके रुक जाएगा या ड्ल पीरियड वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो देखेंगे कि ये पी पॉइंट पर आने के बाद बेस सर्किल स्टार्ट हो जाता है और ये जो पिंक कलर की जो प्रोफाइल ड्रॉ हो रही cam motion है दैट इज़ कैम प्रोफाइल इन विच फॉलोवर रेडियल फॉलोवर मोशन होगा और कैम जो रोटेट करेगा वो सिंपल हारमोनिक मोशन रोटेट करेगा नेक्स्ट है नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट होगा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलेशन डायग्राम फॉर साइक्लोइडल साइक्लोइडल मोशन, मोशन, इन जो फॉलोवर मोशन कैम जो रोट मोशन करेगा वो साइक्लोइडल मोशन करेगा साइक्लोइडल इन द सेंस अगर हम एक सर्किल को एक स्टेट पाथ पे ट्रेवल कराएंगे तो किसी एक पॉइंट को हम ट्रेस करेंगे तो वो साइक्लोइडल मोशन करता है ठीक है तो साइक्लोइडल मोशन जो सर्किल बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो आप जानते हैं टू पाई आर इक्वल टू हाइट ऑफ द फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे सर्किल की रेडियस मिल जाएगी और उस सर्किल की रेडियस से हम इसको एट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और वहाँ से ट्रेस करके पॉइंट लेंगे तो जो पाथ हमको ट्रेवल जो पाथ हम ट्रेस करेंगे दैट इज साइक्लोइडल पाथ ठीक है ये उसका वेलोसिटी एंड एक्सलेशन डाइग्राम है तो अगर हम अब इस साइक्लोइडल मोशन में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालें तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है साइक्लोइडल पाथ में दैट इज एस इन ब्रैकेट थीटा अपॉन थीटा नॉट माइनस वन अपॉन टू पाई साइन टू पाई थीटा अपॉन थीटा नॉट थीटा नॉट इज आउटवर्ड स्ट्रोक जाने के लिए आउटवर्ड स्ट्रोक में जो एंगल यूज़ हो रहा है ठीक है इसी को हम डिस आ, करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगी इसी को अगर वेलोसिटी को डिफ्रेंशियट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा तो इस तरह से हम साइक्लोइडल प्रोफाइल भी आ, चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं ठीक है These are the references which I am taking for delivering this lecture. Thank you.